السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أعوذ بالله صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. مصطفى बहुत ही प्यारे और अनोखे छोटे अंदाज में करीम खिताब और शायर सलाम जनाब सरफराज राकिम फरीदी मुतजल्लोहलाली से सुरीली आवाज में हमने कलाम दीगर उलमा मकर्रा से बयान सुनने की सआदत हासिल की। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपने आका मौला मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के इस कदर फजाइल हैं कि मजीद से पाक मुलाकात फरमाए हजरत सैयदना अल्लामा इमाम सकाली रहमतुल्लाह नकल फरमाते हैं रसूल कायनात अली तस्लीम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान दुख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से भरी है और कल कयामत के दिन उसे सुहादा के साथ रखा जाएगा। अपने अपने अंदाज में मोहब्बत और खलूस के साथ उनको सलाम करिए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए चंद अशआर सलाम के पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। इरफ़ानी जिंदगी है और क्या है ये फानी जिंदगी है और क्या है और कभी गम है खुशी है और क्या है सब कुछ खुली जो आँख तो कुछ भी न पाया खुली जो आँख
موت آئے خانہ رب العلا کے سامنے موت آئے خانہ رب العلا کے سامنے اور دفن ہو روزہ خیر الورا کے سامنے سر کٹانا تھا علی کے لال کو ورنہ سنو سر کٹانا تھا علی کے لال کو ورنہ سنو ایک نہ پاتا کوئی شاہ کربلا کے سامنے ایک نہ پاتا کوئی شاہ کربلا کے سامنے درود پہلے مسلمان حضرت قریبے سے درود پہلے مسلمان اگر قریبے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے اور چلو حسین کا روزہ بھی دیکھنے جا کر چلو حسین کا روزہ بھی دیکھنے جا کر نہیں ہے دور کوئی کربلا مدینے سے نہیں ہے دور کوئی کربلا مدینے سے محترم پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا اور آپ کا یہاں پر جو جمع ہونا اکٹھا ہونا جو ہوا اس کا مقصد یہ ہے یہاں پر جو ذکر خیر ہو جو اللہ و رسول اور اللہ والوں کی باتیں ہوں اس کی برکتیں اس بستی کو ملے جن حضرات نے اس پروگرام کو کرایا ان کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں داخل ہوں وہ ثواب کے حقدار بنے جن حضرات نے اس میں خرچ کیا ان کا خرچ کرنا بارگاہ خداوندی کو قبول ہو اور انہیں اس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں مل جائے اس کے منعقد کرنے کا یہ مقصد ہے لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ بوری ہے محترم حضرات میں نے ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ کو اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کیا میرے رب نے اس میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا مستقل اور اس وقت کے لیے ہم نے تمہیں ٹھہرائے رکھا یعنی ایک ٹھہرانا تو وہ ہوا کہ جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے تھے جب تک دنیا میں ہمارا آنا ہوا جب تک ہمیں اللہ نے ٹھہرائے رکھا اس کے بعد ایک اور ذرا ٹھہرایا گیا یہ ماں کے شکم میں اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں وہ
रखा। उसके बाद हमें हमारी माओं के पेट से जाहिर किया। जाहिर करने के बाद हमें हमारी मौत तक दुनिया में ठहराए रखा। इसके बाद हजार एक ठहराना और होगा, एक ठहरना और होगा, और वो होगा हमारी मौत से हमारी कब्र से लेकर के मैदान मशर पर। और एक ऐसा ठहराव होगा, एक ऐसा ठहरना होगा कि रात उस ठहरने के बाद, उस प्यार के बाद, उस जगह जाने के बाद अब इंसान न वापसी है इस दुनिया में आना है, न अपने माँ के पेट में आएगा, न पैदा होने से पहले किसी जगह में इसे लाया जाएगा, बल्कि इसे या तो जहन्नम में रखा जाएगा या फिर जन्नत में रखा जाएगा। और इन्हीं दोनों मकानों के अलावा अजादे ग्रामी कोई ऐसा और मकान नहीं है जहाँ पर इंसान को रखा जाए। अजाद के थोड़ा थोड़ा वक्त, थोड़ा थोड़ा अरसा अजाद के अपने पैदा होने से कुछ वक्त रहा, इसके बाद में इस दुनिया में आने के बाद रहा, इसके बाद में अजादे ग्रामी मौत के बाद में मैदान मशर तक इसे कब्रों में रखा गया, फिर इसे उठाया गया, उठाया जाएगा हिसाबों किताब के बाद में आखिरी कयाम जो होगा, आखिरी ठहराव जो होगा, अजाद जो हमारा या तो जन्नत में होगा या फिर जहन्नम में होगा। अजादे ग्रामी इस दुनिया के अंदर हम आ तो गए हैं, इस दुनिया में हमारा आना तो हो गया है, मगर यहाँ से अजाद जाना आसान नहीं है। यहाँ से इंतकाल करना, यहाँ से जाना, यहाँ से पूछ करना, यहाँ से इंतकाल करना अजाद ये हमारा आसान नहीं है। इसमें बड़ी मशक्कतें आएंगी, बड़ी परेशानियाँ हमें उठानी है। अजाद के गिरावे इस तरीके से एक किसान एक खेती बाड़ी करने वाला अजाद कोई दाना किसी खेत में डालता है, अजाद उस दाने को उस किसान में उस खेती बाड़ी करने वाले इंसान में अजाद पैदावार के लिए उस दाने को खेत में डाला, उससे पहले उसे कई महीने ऐसे मकान पर रखा ताकि वो दाना उगने के लायक हो जाए। अजाद जब वो उगने के लायक हो गया तब उसे उठाया और उसे जमीन में दबा दिया, सब जमीन में ढेर दिया गया। अजाद इस दाने की कैफियत पर अगर हम गौर करें, इस दाने की अहमियत पर अगर हम गौर करें, इस दाने की मशक्कतों और मुसीबतों परेशानी को देखें, तो अजाद ये काफी जमाना काफी वक्त ये मशक्कतें उठाता रहा। जब ये खेत में गया अजाद इसने बारिश की मशक्कत को झेला, इसने पानी की मशक्कत को झेला, इसने बर्फबाजी बारी की मशक्कत को झेला, उसने परिंदे को परिंदे के करने को झेला, इसने आधी और तूफान के रेलों को झेला। अजाद ये दाना बराबर मशक्कतें उठा रहा है, कभी परिंदे इसे कर जाते हैं, कभी आसमान से बारिश आ जाती है, ये अलग बदल हो जाता है। अजाद इसी मशक्कत में इसी परेशानी में अजाद ये दाना जमीन के अंदर मुसीबतें उठा रहा है, मशक्कतें झेल रहा है, बड़ी मुश्किल से कई महीने के बाद में ये हरा भरा बाग नजर आता है, हरा भरा बाग, हरा भरा खेत नजर आता है, हरा भरा राधे ग्रामीण ये नजर आना शुरू हो जाता है। अजाद इस वजह से कभी इसने बारिश की मशक्कत को झेला, कभी परिंदों के चढ़ने को झेला, कभी जानवरों के चढ़ने को झेला, कभी इसने आधी मकान के रेलों को झेला, कभी इसने पानी की जियादगी को झेला, कभी इसने पानी के केंद्र को झेला। अजाद बड़ी मुश्किल से ये हरा भरा खेत नजर आया। अजाद इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला के इस बंदे ने इस दाने को जो कामयाबी की तरफ चला गया है, अजाद इसे उगाया और उगाने के बाद में काटा और इसे काटने के बाद में इसे निकालने के बाद में इसे निकालने के बाद में बड़ी इज्जत के साथ में अपने घर आया। अजाद बड़ी शराफत के साथ में बड़े वकार के साथ में किसी अनाज को छाटने के बाद में इसने भूसा अलग किया, पराल को अलग किया, पीपों को अलग किया और दीगर सामानों को अलग किया। अजाद इस दाने को घर ले आता है और लाने के बाद में
में से अपनी कुटिया में, अपने किसी सामान में, अपने किसी ट्रक में, अपने किसी ऐसे मकान पर किसने उसे रख दिया है, बोरे में भर रख दिया है, चक्के में भर रख दिया है, या किसी और हिमालय के मकान पर रख दिया है। रात बड़ी इज्जत के साथ है, इसमें से ये इस्तेमाल कर रहा है, कभी इसे मरोक करके अपनी दुनिया की जिंदगी की जरूरियात को पूरा करना नजर आता है, कभी इसे कोई फायदा उठाता है, कभी कोई इसे फायदा उठाता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के हम सब भी दाना है, अल्लाह का हम भी एक दाना है, जिसने अल्लाह ने हमें जमीन में बिखेर दिया है, अल्लाह ने हमें जमीन में डाल दिया है, अल्लाह ने हमें जमीन में उगाल दिया है। राजे ग्रामीण मालूम ये हुआ कि बच्चे किस किस्म के होंगे, किस तरीके से दुनिया के अंदर जो इतनी मशक्कतें झेलेगा, जो जिस कदर परेशानियां उठाएगा, जो जिस कदर राजे ग्रामीण मशक्कतें दुनिया में झेलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही इज्जत के साथ हमें रात इसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा, इसे उतनी ही इज्जत के साथ हमें अपने अपने फायदा हमें जन्नत के मकान पर इस बंदे को रखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के ग्रामीण किस तरीके से वो दाना हमारी मशक्कत उठाने के बाद हमें इज्जत से घर लाया गया, इसी तरीके से हमारा मालिक हमें हमें इज्जत के साथ में उन बंदों को इज्जत वकार के साथ में जिन बंदों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के ग्रामीण ईमान लाने के बाद में ईमान के रास्ते में इस्लाम के रास्ते में मशक्कतें झेली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ग्रामीण वो मशक्कतें क्या है, वो परेशानियाँ क्या है, अल्लाह अकबर किस तरीके से सर्वो बला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने बच्चों के साथ में अपने घर को भी छोड़ा, अपने शहर को भी छोड़ा, अपनी आबादी को भी छोड़ा, अपने खानदान वालों को छोड़ा, यहाँ तक कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा मदीना मेरा हो, मुझे मदीने में रखा जाए, मुझे मदीने में पैदा किया जाए, मुझे मदीने में जो है बयान का जो है कराया जाए, मुझे मदीने में रखा जाए, मुझे मदीना दिखाया जाए, मुझे मदीने ही में जिंदगी को बसर करना मुझे दिया जाए। लिहाजा उस मदीने को छोड़ा, मक्के को छोड़ा, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की तमाम मशक्कतों को झेला, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद में अल्लाह अकबर अल्लाह दुनिया से इस्लाम को बचा कर चले गए, दुनिया से इस्लाम को कमान चढ़ा कर चले गए। अल्लाह के ग्रामी क्या हमने भी कुछ किया है, क्या आज के दौर में क्या कोई हमारा भी ऐसा मकसद रहा है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, कुरान हमारे सामने है, नमाजों का दूर हमारे सामने है, मसाजिद हमारे सामने है, अल्लाह अकबर मदारिस हमारे सामने है, उलमा हमारे सामने है, शुअरा हमारे सामने है, बड़ी गुस्ताख के दरबार हम देखते हैं, उनके दरबारों में हम जाते हैं, उनके दरबारों का सदका और वसीला हम देते हैं, क्या हमारा भी कोई इरादा है, क्या कोई हमारा भी ऐसा जहर है कि हम भी कुछ इस्लाम के लिए कर जाए, कोई ऐसी कुर्बानी दे जाए, कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी तरफ से हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए, हमारी आखिरत भी आबाद हो जाए। अल्लाह के ग्रामीण अगर चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी आबाद हो, हमारी आखिरत भी आबाद हो, तो हमारा सबसे पहला फरीजा यह है, सबसे पहला काम यह है कि हम एक दूसरे का हुकूक अदा करें, हम एक दूसरे का हक अदा करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर कोई शोहर है तो वह अपनी बीवी का हक अदा करे, अगर कोई बीवी है तो वह अपने शोहर का हक अदा करे, अगर औलाद है और वो नापामाल पति है कि वो अपने माँ बाप का अदब करे, अपने माँ बाप का हक अदा करे, अगर कोई पड़ोसी है तो उस पड़ोसी को चाहिए कि वो पड़ोसी का हक अदा करे, अगर कोई किसी का कर्जा ले उसे चाहिए कि वो कर्जा अदा करने की कोशिश करे, अगर कोई आदतमंद जरूरतमंद अगर कोई कर्जा मांगता है तो ऐसा पानी दे, वो साथ इंसान अगर है अगर उसके पास में कर्जा सी है उसके बाद पास में खुशहाली है कि उसको कर्ज दे दिया करे। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरीके से अगर हम दुनिया के अंदर रहेंगे ऐसे काम नहीं करेगा, तो हम चौपालों पर ताश खेलते हैं, अपनी बैठकों में बैठने के बाद में दुनिया की बातें करते हैं, बाल इंसान ऐसे हैं, बाल अल्लाह के बंदे हैं, तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मगर उनकी दुकान पर उनकी चौपाल पर उनके घरों के सामने अल्लाह सुबह से शाम तक बुलाती है, एक एक घंटे गुजर जाते हैं, रात का दसी हिस्सा गुजर जाता है, उनकी बैठक में उनकी पंचायत में उनके मशवरे में उनकी बिल्डिंग में जो चार पाँच 10-15 लोग जो है रात को बैठ करके
कभी काश होते हैं, कभी दुनिया की बात करते हैं, कभी किसी नेता की बात करते हैं, कभी किसी मंत्री की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। क्या उन्होंने हल किया? क्या उनके दरमियान में कभी बहुत कष्ट भी आया? क्या उनके बीच में कभी फरार होने कष्ट भी आया? क्या उनके बीच में कभी मजीद कष्ट आया? कभी उनके बीच में क्या कानून कष्ट आया? क्या मैदान मजदूर कष्ट आया? अल्लाह होकर हमारा सारे कथारा है सारे इस्लामी भाइयों, ये बर्बादी को गुजर रहा है, ये वक्त को बर्बाद करने में गुजरता चला जा रहा है। सारे इस्लामी भाइयों, दो चीजें बड़ी काम की है, एक हमारी जिंदगी और एक हमारा वक्त। अगर किसी ने जिसने भी जिसकी जिंदगी की कदर की है, जिसने भी इस वक्त की कदर की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बड़े मकाम अता फरमा दिए है, जिसके लिए अगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है वक्त की कदर फरमाई तो अल्लाह ने सिद्दीक अकबर उन्हें बना दिया है। हजरत उमर फारूक आजम ने सारे इस्लामी भाइयों वक्त की कदर की है, उमर फारूक आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा आदिल बना दिया है, ऐसा आदिल बना दिया है कि उनके सामने उनके फासले पर शैतान भी नहीं टिक पाता है। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वक्त की कदर की है, जो वलियों का इमाम बना दिया है, वलियों का सरदार बना दिया गया है, विलायत का ऐसा इल्म का शहर बना दिया गया है, उनके उनके रुतबे से उनके उनके रहम से अल्लाह ने शहीद आजम को पैदा फरमाया, उनके रुतबे से अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन को पैदा फरमाया, इमाम आजम ने वक्त की कदर की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इमामों का सरदार बना दिया, इमाम आजम बना दिया। इसी तरह से औसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी की कदर फरमाई, अपने वक्त की कदर फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वलियों का सरदार बना दिया, वलियों का इमाम बना दिया, औसे आजम बना दिया। उन्हें ईमान बना दिया है, हमारे आला हजरत ने ईमान अहमद रहमतुल्लाह ताला आए हैं, वक्त की कदर की है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने